हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी सबकी अच्छे से चल रही होगी। तो वन कंसेप्ट डे सीरीज चल रही है, ठीक है। सब जानते हो कि कंसेप्ट एक ही करेंगे एक दिन में, उससे ज़्यादा नहीं। किसी किसी दिन कंसेप्ट नहीं आता है, ठीक है, तो उससे चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मेरा फोकस यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर डिस्कस कराना नहीं है। मैं पहले ही आपको बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। मेरी यहाँ पर कोशिश रहती है कि जिस दिन अखबार में कोई या कहीं पर कोई रेलिवेंट न्यूज़ आती है, उसमें से मैं आपको एक कंसेप्ट निकाल के दिखाऊं। न्यूज़पेपर डिस्कस करने वाले बहुत लोग हैं और बहुत अच्छा अच्छा करा रहे हैं, वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो उस चीज़ में कोई भी मिथ मत रखिएगा कि यहाँ पर आपके साथ हिंदू का अखबार डिस्कस हो रहा है या किसी भी तरह का कोई अखबार डिस्कस हो रहा है। हाँ, जब हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तो उस कंसेप्ट से रिलेटेड मैं आपको न्यूज़ बता दूंगा कि क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, कि क्या न्यूज़ में था जिसकी वजह से हम वो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये आपका कंसेप्ट है, ये हिंदू में भी था, ऑलराइट, और आपका पीआईबी में भी आया था, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जून महीने का निकाला गया है अभी, ठीक है। 14 जुलाई को ये पीआईबी की वेबसाइट के ऊपर पोस्ट हुआ था। तो मेनली आज हम क्या पढ़ेंगे, मेनली आज हमने पढ़ना है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में सब कुछ देख लेंगे, प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। ये वीडियो देखने के बाद प्री का तो तुम्हारा सवाल गलत नहीं होगा अगर डब्ल्यूपीआई से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। फिर भी किसी को कोई डाउट रहेगा वीडियो के बाद तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ऑलराइट। मेनली हमारा टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहले होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन को समझेंगे, फिर रिवाइज WPI 2017 में रिवाइज़ किया गया था WPI को, क्या की चेंजेस थे उसको समझेंगे, और इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन इंडिया में कैलकुलेट कैसे होती है, ये पता होना ज़रूरी इसीलिए ताकि आपको ये पता चल सके कि WPI बेसिकली क्या है। तो इन्फ्लेशन को इंडिया में कैलकुलेट किया जाता है दो प्राइस इंडेक्सेस के ऊपर, ठीक है। एक को कहते हैं आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरे को कहते हैं आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दोनों ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का हमारा टारगेट होलसेल प्राइस इंडेक्स है। अब ये इंडेक्स क्या होता है, देखो इन्फ्लेशन आप सब जानते हो, व्हाट इज इन्फ्लेशन। अगर आप इन्फ्लेशन को डिफाइन करने लगो तो क्या कहोगे, चेंज इन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप मार्केट में गए, आप 2001 या आप ये लगा लो 2011 में आप मार्केट में गए और आप वो रिनॉल्ड्स का पेन आता था ना, नीले ढक्कन वाला, वो रिनॉल्ड्स का पेन लेने चले गए, वो था 5 रुपये का, ठीक है। उसके बाद आप 2012 में गए तो 2012 में आपने सेम पेन मांगा शॉपकीपर से, उसने कहा भैया पेन तो 10 रुपये का हो गया। एक साल में पेन का प्राइस 5 रुपये बढ़ गया, ठीक है, यानी कि डबल हो गया प्राइस। तो इसको क्या कहोगे आप, चेंज इन प्राइस को क्या कहोगे, इन्फ्लेशन कहोगे, ठीक है। अब इन्फ्लेशन दो तरह से कैलकुलेट होती है, एक होलसेलर के लेवल पे, एक कंज्यूमर के लेवल पे। तो जो होलसेलर के लेवल पे होती है वो होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और जो कंज्यूमर के लेवल पे होगी वो हो जाएगी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब प्राइस इंडेक्स क्या होता है, देखो इन्फ्लेशन ऐसा हो सकता है कि एक प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन आई हो, सिर्फ पेन का प्राइस बढ़ाओ, बाकी सारी कमोडिटीज़ का प्राइस सेम है, तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, क्योंकि एक प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर इकोनॉमी की इन्फ्लेशन नहीं सेट होती। इकोनॉमी की इन्फ्लेशन ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर सेट होती है। तो इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि एक सिंगल गुड को आप टारगेट नहीं करते, जब आप इंडेक्स कैलकुलेट करते हो उसमें मल्टीपल गुड्स होते हैं, एक बास्केट ऑफ गुड्स होता है, ठीक है। जैसे आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो उसमें एक बास्केट ऑफ गुड्स हैं, अराउंड 676 कमोडिटीज़ हैं उसमें, ठीक है। तो उन कमोडिटीज़ के बेस पे ऊपर देखा जाएगा कि हाँ ओवरऑल प्राइस जो है वो इन कमोडिटीज़ का बढ़ा या ओवरऑल प्राइस जो है इनका घटा, उसके ऊपर जो है कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट राइज और फॉल एक कमोडिटी का नहीं, बास्केट ऑफ कमोडिटीज़, मल्टीपल गुड्स। जैसे ये बास्केट है, इसमें 10 तरह के गुड्स होंगे, इन सब का प्राइस ओवर द टाइम देखा जाएगा कि इन सब का प्राइस पहले लिया जाएगा, टोटल किया जाएगा, ठीक है। 2001 में कितना था इन सारे प्रोडक्ट्स का टोटल प्राइस मिला के, और 2011 में कितना हो गया, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है, ओके। अब अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन है, WPI इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट करते हैं मैक्रो लेवल पॉलिसी मेकिंग के लिए, जो होलसेलर प्राइस इन्फ्लेशन होती है आपकी। CPI इन्फ्लेशन माइक्रो लेवल एनालिसिस के लिए होता है, ये पॉइंट्स आपने सबने याद रखने हैं, क्योंकि WPI इन्फ्लेशन जो है मैक्रो लेवल पॉलिसी मेकिंग में इस्तेमाल होती है, इसीलिए इसको इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, स्टेट के एग्जाम में तो सीधा सीधा सवाल पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज द इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी, कि भाई WPI को कहते हैं, CPI को कहते हैं। UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल आपको स्टेटमेंट दे देगा कि ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दे देगा, CPI इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेटमेंट
जिसमें साथ में एक दो स्टेटमेंट और होंगी इन्फ्लेशन से रिलेटेड. सीपीआई इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशन ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, आपको बताना होगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है. तो आप क्या कह दोगे कि इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि सीपीआई नहीं, यहाँ पर क्या आता है डब्ल्यूपीआई. डब्ल्यूपीआई जो है वो इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी होता है. ठीक है जी, उसके बाद जो ये दोनों इंडेक्सेज हैं, चाहे वो आपका डब्ल्यूपीआई हो चाहे वो आपका सीपीआई हो, दोनों इंडेक्सेज को पॉइंट टू पॉइंट मेथड पे कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मेथड में कैलकुलेट किया जाता है. पॉइंट टू पॉइंट मेथड क्या होता है ये समझ लो. देखो, दो तरह की कैलकुलेशन होती है. एक होता है कि आपने 1 जनवरी से कैलकुलेट करना शुरू किया और 31 दिसंबर को ख़त्म कर दिया, ये तो नॉर्मल केस होता है. पॉइंट टू पॉइंट मेथड में क्या होता है कि जो रेफरेंस डेट होती है, जो जब आप एनुअल इन्फ्लेशन कैलकुलेट करोगे तो आप एनुअल इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो 1 जनवरी to 31 दिसंबर नहीं लोगे. उसमें आप जो टाइम लोगे वो क्या लोगे, 1 जनवरी. फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2020 की कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 जनवरी 2020 से लेकर के 1 जनवरी 2021 तक की, ना कि 31 जनवरी 2020. तो ये क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट मेथड. इसके ऊपर ऑलरेडी सवाल आ भी चुका है, वेरियस आप टेस्ट सीरीज भी अगर उठाओगे काफ़ी इंस्टीट्यूट्स की तो उसमें भी इस तरह का सवाल जो है अक्सर हर साल की टेस्ट सीरीज में पूछा ही जाता है कि पॉइंट टू पॉइंट मेथड में क्या होता है कि भाई 1 जनवरी to 31 दिसंबर होता है या 1 जनवरी to 31 जनवरी होता है. तो ये आपको पता होना चाहिए. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में सही गलत स्टेटमेंट आपसे एमसीक्यू में सीधा सीधा पूछी जा सकती है. चलिए अब बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं डब्ल्यूपीआई का इंडिया में. तो पहली बार पहला जो डब्ल्यूपीआई इंडेक्स था उसको कैलकुलेट कौन से साल में किया गया था, 1942 में. स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट डाटा है और यूपीएससी में भी स्टेटमेंट बेस्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है. आजकल यूपीएससी इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स पूछ रहा है. ओके, उस समय पर इसको कौन पब्लिश करता था, उस समय पर इसको पब्लिश करता था इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब ये जो इकोनॉमिक, उस समय मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री हुआ करती थी, अब क्या है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है. ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में भी इस सीरीज को कंटिन्यू किया गया और सेम कमोडिटीज नंबर जो है इसमें इंक्लूड किए गए. विद टाइम सेवरल चेंजेस इसमें लाए गए, जैसे कुछ कमोडिटीज इंक्लूड कर दी गई, वेट्स असाइनमेंट जो है उसको चेंज किया गया, बेस ईयर को रिवाइज किया गया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ठीक है, तो अभी तक अगर हम देखें तो WPI बेस ईयर को कुछ 5 बार जो है रिवाइज किया जा चुका है. ये भी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम, ये सारे फैक्ट्स जो हैं स्टेट सर्विसेज के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. प्लस आप अगर SSC लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है. UPSC सिविल सर्विसेज में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे जा सकते हैं. ओके, उसके बाद द फर्स्ट इंडेक्स नंबर ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. चलिए, वेरियस बेस ईयर्स मैंने आपको बताया कितनी बार इसका बेस ईयर चेंज हुआ है. तो अब अगर आप देखो, सबसे पहला बेस ईयर जो था इसका 1952-53 था, उसके बाद 61-62 रखा गया, 70-71, 81-82, 93-94, 2004-05, 2011-12. ठीक है, अब ये सारे याद करने ज़रूरी नहीं है. ये दो बेस ईयर है ना, इनका थोड़ा सा आपको कंपैरेटिव एनालिसिस जो है याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है. अगर आप देखो, जब इसका बेस ईयर 2004-05 था, ये 2011 में इसका बेस ईयर 2004-05 सेट किया गया था, उस समय इसमें जो कमोडिटीज रखी गई थी, मैंने आपको क्या बताया प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, बास्केट ऑफ गुड्स. तो उस समय के जो बास्केट होता था उसमें कितने गुड्स होते थे, उसमें 676 कमोडिटीज होती थी बास्केट में. ऑलरेडी कितनी कमोडिटीज होती थी, 676. लेकिन जब 2011-12 बेस ईयर सेट किया गया 2017 में, उस समय कमोडिटीज़ का नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया, उसको 697 कर दिया गया. अभी करंटली जो आपका WPI कैलकुलेट होता है, उस WPI के बास्केट में 697 कमोडिटीज़ है. डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेट सर्विसेज में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन UPSC में पूछा जा सकता है. UPSC इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द न्यू बास्केट ऑफ WPI हैड मोर नंबर ऑफ गुड्स एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस बास्केट. ऑलराइट, या गलत स्टेटमेंट दे देगा कि द न्यू बास्केट हैज लेस नंबर ऑफ कमोडिटीज एज कंपेयर टू द प्रीवियस बास्केट, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. तो इस तरह से आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है UPSC बनाकर पूछ सकता है. तो अगर आप देखो, अभी जो लेटेस्ट आपका बास्केट है इसमें अभी तक के सबसे ज्यादा कमोडिटीज है, ये भी एक स्टेटमेंट बना सकता है UPSC कि जो लेटेस्ट बास्केट है इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कमोडिटीज एवर विच वर एवर देयर इन योर WPI बास्केट, तो वो स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाएगी. तो आप समझ रहे हो, आपको जब भी आप पढ़ रहे हो ना, आपको ये सोचना है कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म कर सकता है. आपको खुद से सोचना है, दिमाग चलाना है कि हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट बन सकता है. ठीक है, और फैक्ट, जो बच्चे अभी भी धोखे में है कि फैक्चुअल क्वेश्चन UPSC नहीं पूछता, पिछले 3 साल के बाबा पेपर उठाकर देख लो, मिथ जो है दूर हो जाएगा. ठीक है, चलो
अब जैसे कि मैंने आपको बताया लेटेस्ट 2017 में रिवाइज हुआ, तो की रिवीजन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो बेस ईयर को रिवाइज कर दिया गया 2011-12 कर दिया, उससे पहले 4-5 होता था, ठीक है। WPI में पहले भी तीन मेजर ग्रुप होते थे, अभी भी तीन मेजर ग्रुप हैं। कौन से? सबसे पहले प्राइमरी आर्टिकल, फिर होता है फ्यूल एंड पावर, और फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ये भी अभी आपको बताएंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, टोटल परसेंट कितना होता है 100%। अब 100% में इंडिविजुअली इन तीनों को वेटेजेस दी हुई हैं, वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ आइटम्स पहले कितनी थी 697 और अब कितनी हो गई 697। ऑलराइट, इन ऑल 199 हैव बीन एडेड एंड 146 हैव बीन ड्रॉप्ड। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐड की गई हैं, कुछ ऐड की गई हैं और कुछ हटाई गई हैं, तो इतना डेप्थ में एग्जामिनर नहीं जाएगा। आपको ये याद रखना है कि पिछले में कितनी थी और अब कितनी हो गई, इसमें जा सकता है। चलिए, उसके बाद द प्राइस इज यूज फॉर कंपाइलेशन डज डू नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो प्राइस, जो बास्केट ऑफ गुड्स का जब आप प्राइस कैलकुलेट करोगे तो वो प्राइस बिना इनडायरेक्ट टैक्स के होगा, ठीक है। जो भी टैक्स लग रहा है या अब के केस में GST लग रहा है, तो बिना GST लगाए हुए आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि फिस्कल पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो हट जाएगा, कि जो सरकार ने टैक्स बढ़ाया घटाया उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। इंटरनेशनली जो है वो WPI इज मोर कंसेप्चुअली क्लोजर टू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को भी पढ़ेंगे। अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है इसको समझते हैं, तो आपको फंडा समझ आ जाएगा कि सरकार ने क्यों इनडायरेक्ट टैक्सेस को अब जो है वो प्राइस में नहीं ऐड करते जब हम WPI कैलकुलेट करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में सीधी स्टेटमेंट आ सकती है दैट वाइल कैलकुलेटिंग WPI योर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एडेड टू इट, तो आप क्या कह दोगे, स्टेटमेंट वो है गलत। अगर वो लिखेगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। ओके, चलिए, अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो PPI मेजर प्राइस चेंजेस फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है। PPI क्या करता है, प्रोड्यूसर के परस्पेक्टिव से कैलकुलेट करता है। अब देखो, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हुआ करता था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बेसिकली क्या होता है, कंज्यूमर के परस्पेक्टिव से, जो कंज्यूमर अल्टीमेटली फाइनली प्राइस पे कर रहा है। अब एक पेन को बनने में कितना खर्चा आया, वो प्रोड्यूसर का खर्चा है, ₹1 का खर्चा आया, लेकिन आपको वो पेन पड़ रहा है ₹5 का। तो जब वो ₹5 हम देख रहे हैं तो वो कंज्यूमर का परस्पेक्टिव है, जब हम वो ₹1 देख रहे हैं तो वो प्रोड्यूसर का परस्पेक्टिव है। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या कर रहा है कि वो प्रोड्यूसर का प्राइस ले रहा है, ठीक है। तो PPI क्या करेगा, वो प्राइस चेंज देखेगा प्रोड्यूसर के हिसाब से, कि भाई पहले प्रोड्यूसर को पेन बनाने के लिए ₹1 लग रहा था, अब प्रोड्यूसर को पेन बनाने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, ₹2 लग रहे हैं। पहले ₹1 का खर्चा आ रहा था पेन बनाने के लिए, अब ₹2 का खर्चा आ रहा है, तो ₹1 का खर्चा बढ़ गया। ये चीज है मोटी मोटी। अब देखो होता क्या है, ऐसा क्यों किया गया, अब प्रोड्यूसर से गुड्स ले गया होलसेलर, अब होलसेलर ने प्रोड्यूसर से ₹1 में पेन खरीदा, ठीक है। अब होलसेलर गुड ले गया, अब होलसेलर ने भी कमाना है कुछ, तो होलसेलर क्या करेगा, इसका रेट रखेगा ₹2 और ₹2 का फिर ये रिटेलर को बेचेगा, जो नॉर्मल स्टेशनरी की शॉप है। अब ये रिटेलर को भी कुछ अर्न करना है, तो ये फर्दर उसमें ₹1 ऐड कर देगा, अल्टीमेटली ये कंज्यूमर को कितने का बेचेगा, ₹3 का, ठीक है। ये चेन चलती है। तो जब आप कंज्यूमर के रेट पे कैलकुलेट कर रहे हो या होलसेलर के रेट पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको ये नहीं पता चला कि प्रोड्यूसर के इलाके में कितना प्राइस बढ़ गया, प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी बढ़ी, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस इंक्रीज तो यहीं से शुरू हो गया ना, ठीक है, प्राइस इंक्रीज यहीं से शुरू हो गया। अब अगर आगे चल के इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ₹1 की जगह ₹2 हो गया, तो होलसेलर भी अपना प्राइस बढ़ा देगा, रिटेलर भी अपना प्राइस बढ़ा देगा, तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके ऊपर पूरी प्राइस चेंज जो है वो डिपेंड करती है, प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर प्राइस चेंज जो है डिपेंड करती है। अब इसी वजह से जो मेन रीजन है, सरकार कहती है कि हमें अभी प्राइस चेंज की अगर हमें जरिया पता करना है कि कहां पर प्राइस जो है बढ़ना शुरू हुआ, तो सरकार कहती है कि हमें यह पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है क्या, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल कर सकेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसी वजह से क्या डिसाइड किया गया कि PPI जो है, जिसमें ना कोई टैक्सेस इंक्लूडेड है, प्रोडक्शन जो PPI बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन का खर्चा, जो प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने में खर्चा आ रहा है, उसमें ना टैक्स इंक्लूडेड है, उसमें ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूडेड है, ना उसमें ट्रेड मार्जिन इंक्लूडेड है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन बढ़नी कहां से शुरू हुई, प्राइस चेंज होना कहां से शुरू हुआ। ऑलराइट,
और इसी इसके बेनिफिट की वजह से काफ़ी जो इकोनॉमीज़ हैं वो पीपीआई मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो चुकी हैं, और इनमें से जो सबसे पुरानी इकोनॉमी है जिसने पीपीआई मॉडल के ऊपर शिफ्ट हुई है, दैट इज़ योर ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स यूएस इकोनॉमी। तो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स यूएस में पीपीआई के बेस पे जो पीपीआई इंडेक्स निकालता है, जैसे हमारे यहाँ पर डब्ल्यूपीआई निकाला जाता है, तो टैक्सेस को एक्सक्लूड करने का रीज़न ये है ताकि हम मोर टूवर्ड्स पीपीआई जो है मूव ऑन कर जाएं। ऑलराइट, चलिए उसके बाद और क्या चेंजेस हैं इसमें जो आपका रिवाइज्ड WPI है। सबसे पहले अब जो आपका WPI है, जो न्यू WPI है, इट इज कंपाइल्ड यूजिंग योर ज्योमेट्रिक मीन। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले अर्थमेटिक मीन के बेसिस पे कैलकुलेट होता था। अभी मैं ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन क्या होता है और इससे डिफरेंस क्या आता है वो आपको समझाऊंगा। तो इससे, इस चेंज से भी हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ मूव कर रहे हैं। ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब बेसिकली होता क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, इट इज अ मीन और एवरेज विच इंडिकेट्स द सेंट्रल टेंडेंसी और टिपिकल वैल्यू ऑफ सेट नंबर्स बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज। तो अगर आप यहां पर देखो, इट इज डिफाइंड एज nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स, दैट इज फॉर द सेट ऑफ नंबर्स इंटू 1 इंटू 2 इंटू xn। तो जैसे आपके पास 10 नंबर है, 10 वैल्यूज है, 1 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक सेकंड का मुझे समय दीजिए, मैं अभी आपसे दोबारा मिलता हूँ, एक मिनट का ब्रेक लेना चाहेंगे यहाँ पर। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ज्योमेट्रिक मीन में बेसिकली क्या हो रहा है, प्रोडक्ट लिया जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट लिया जा रहा है और फिर उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, ज्योमेट्रिक मीन का फंडा। अगर एग्जांपल से यहाँ पर समझते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, अगर दो नंबर का हमें ज्योमेट्रिक मीन लेना है, 2 and 8, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाएगा, 2 into 8 और फिर इसका अंडर रूट कर दिया जाएगा। तो 2 into 8 कितना होता है, 16, और 16 का जो है अंडर रूट क्या आ जाएगा, 4। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन। इससे क्या होता है, इससे ये होगा यहाँ पर, ये इतने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जितने भी नंबर्स हैं और फिर अल्टीमेटली उनको अंडर रूट ले लिया। अब इससे क्या होगा, सिर्फ एक वैल्यू के भरोसे आपका जो है वो नहीं डिसाइड होगा कि क्या इन्फ्लेशन में बढ़ा है या घटा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नंबर्स हैं, एक नंबर है 10, एक गुड का नंबर है 10, एक का नंबर है 12, एक का 1000 है प्राइस चेंज, एक का 100 है। ठीक है, तो आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब सिर्फ एक नंबर के उससे डिसाइड नहीं होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ी है या घटी है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेना है। लेकिन अर्थमेटिक मीन में क्या होता था, अर्थमेटिक मीन में आप ऐड करते थे और ऐड करने के बाद जितने नंबर्स होते थे उससे डिवाइड करते थे। फॉर एग्जांपल 5 नंबर हैं, 2 + 5 + 6 + 8 + 1000। ठीक है, अब ये 5 नंबर हैं। अब देखो 4 नंबर तो बहुत छोटे चेंजेस हैं, ये वाला नंबर बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन अब होगा क्या, गड़बड़ क्या होगा अर्थमेटिक मीन में, अर्थमेटिक मीन में आप इनको पांचों को ऐड करोगे और डिवाइड बाय 5 कर दोगे, लेकिन आपको रियल पिक्चर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक नंबर सारे के सारे रिजल्ट को जो है डेविएट कर देगा, सारे के सारे रिजल्ट को खराब कर देगा। इसी वजह से GM जो है अब उसको एडॉप्ट किया गया है। चलिए, तो एडवांटेज क्या है इसकी, ये जो वॉलेटिलिटी है, अगर एक पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट में वॉलेटिलिटी आती है तो उसको काउंटर करने में आपको हेल्प करेगा। चलिए, उसके बाद जो चेंजेस थे, एक नया इंडेक्स निकाला गया जिसको होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स बोला गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब इसमें था क्या, जो भी फूड आर्टिकल्स थे, जो प्राइमरी आर्टिकल ग्रुप में फूड आर्टिकल्स थे या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के ग्रुप में जो फूड प्रोडक्ट्स थे, उनको ऐड करके और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स को भी ऐड करके एक अलग से होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स निकाला गया। इससे मेनली इसका रीजन क्या था, ताकि जो फूड आइटम्स का प्राइस चेंज है उसको बेटर मॉनिटर किया जा सके। ऑलराइट, तो होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स, इसको भी रिवाइज्ड WPI में इंट्रोड्यूस किया गया था।
चलिए अब आ जाते हैं हमारी न्यूज़ के ऊपर कि न्यूज़ क्या थी। तो अगर आप न्यूज़ देखो तो जून का डाटा हर महीने ये निकाला जाता है WPI, ठीक है। तो जून का जो है वो 14 दिन लेट आएगा। फॉर एग्जांपल जो जून मंथ का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स आएगा वो जुलाई 14 को आएगा, ठीक है। अब 2 वीक्स जो है लेट चलता है डाटा कंपाइल करने में और सारी चीज़ों में को काम करने में टाइम लगता है। अब अगर जुलाई का जो WPI आएगा वो कब आएगा, अगस्त 14, 2020 को वो डाटा रिलीज होगा प्रेस ब्यूरो इंडेक्स की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो रिलीज कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ऑल राइट। और मिनिस्ट्री कौन सी आ जाती है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछे जाते हैं, डिपार्टमेंट पूछ लेते हैं सीधा सीधा, कौन सा ऑफिस जो है वो करता है वो पूछ लेते हैं, मिनिस्ट्री पूछ लेते हैं, तो ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी जिस भी मंथ का कैलकुलेट करते हैं वो नेक्स्ट मंथ के 14 दिन बाद आता है, मतलब जून का कैलकुलेट कर रहे हैं तो जुलाई का आएगा, 14th of every month, ऑल राइट। चलिए अब अगर हम देखें यहां पर हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो जून के महीने में WPI जो है वो कितनी थी, -1.81% फॉर द मंथ ऑफ जून एज कंपेयर टू 2.02% प्रीवियस ईयर। तो ये कोई पूछने नहीं वाला आपसे कि जून में कितनी बड़ी एनुअल इन्फ्लेशन का ही अगर सवाल पूछा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे स्टेट सर्विसेज का कोई एग्जाम नियर है या कोई नियर बाय एग्जाम है, अभी तो कोरोना करके कोई एग्जाम आसपास है नहीं, तो उस समय क्या करना ना, जब आपका एग्जाम होने वाला हो उससे 1-2 महीने पहले के इन्फ्लेशन रेट्स देख जाना, PIB की वेबसाइट पर जाकर के खोल कर देख लेना। उससे क्या होगा, आपको अगर वो पूछने की कोशिश करेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। चलो अब अगर हम बात करते हैं वेटेजेस की, तो अगर आप यहां पर देखो ऑल कमोडिटी वेट्स 100 है, ये आपके लिए डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई नहीं पूछने वाला, इसको इग्नोर कर दो। वेट परसेंट अगर हम देखें, 3 ग्रुप्स थे मैंने आपको बताया था, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो 100 है टोटल, इन तीनों का टोटल अगर आप देखोगे 100 आता है, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसको दी गई है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को, 64.2। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है WPI में, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की है, फ्यूल एंड पावर की है, प्राइमरी आर्टिकल्स की है, चौथा ऑप्शन दे देगा कि सबकी इक्वल है, ऑल हैव बीन गिवन इक्वल वेट्स, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स वाला, दूसरे नंबर पर प्राइमरी आर्टिकल आ गया और तीसरे नंबर पर फ्यूल एंड पावर आ गया। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए और थोड़ी बहुत परसेंटेजेस का भी आइडिया होना चाहिए। उसके बाद WPI फूड इंडेक्स, इसको अलग से निकाला जाता है और इसकी वेटेज क्या है, 24.4, ये भी थोड़ा सा इसको भी दिमाग में रख लेना। चलिए तो न्यूज में आप देख रहे हो कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन उससे रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो समझना इंपॉर्टेंट था। तो अगर किसी को यहाँ पर तक कोई डाउट हो तो वो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकता है। हमारे जितने कोर्सेज अभी चल रहे हैं EPFO या अगर आप पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं इस ID के ऊपर, shikshit@gmail.com के ऊपर, ऑल राइट। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय।